जय माता दी। हे माँ रानी, हे माता रानी, सब नू चढ़दी कलां च रखिया मेरी माँ, सब दे दुखड़े हरिया मेरी माँ। नमो नमा, नमो नमा, नमो नमा, नमो नमा, नमो नमा। तो हे महामाई, हे जग जाया, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति। माता रानी, सब ते मेहर बख्शे मेरी माँ, सब दे पले करें ते सब दे दुखड़े करें मेरी माँ, सब नू दो वक्त की रोटी। ते अज दसवें दिन नवरात्रि खत्म और आज माँ वापस विदाई लेंगे। तो जय माता दी, जय माता दी। जल्दी लौट कर आना, अगले नवरात्रों में जरूर आना मैया। जय माता दी, जय माता दी। तो माँ रानी अपनी कृपया दृष्टि सब पे बनाए रखे और सब दा जीवन एक फूल दी तरह बना के रखे। जय महामाई, हे जग जाया, हे जग जाया, सुख शांति बख्शो माता, सुख शांति, सुख शांति। दोस्तों, आप इस फूल को देख रहे होंगे, यह फूल एक मां का रूप और मां को ये फूल अति प्रसन्न हैं और मां हमेशा अपने भक्तों को, अपने भक्तों को यही सलाह देती है कि अच्छे कार्य करो और एक फूल की तरह ती है कि अच्छे कार्य करो और एक फूल की तरह बने रहो। फूल की वासना बहुत ही अद्भुत। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आप आज सारे मेरे भाई बहनें, दोस्त मित्र नवरात्रों से फ्री होंगे, अपने व्रतों से फ्री होंगे और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस करते होंगे कि माँ की नवरात्रे करने से उनको कितना अच्छा लगा और उनको माँ ने कितना आशीर्वाद दिया। वो अपने आप को महसूस करते ही होंगे और ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मन की शांति के लिए एक फूल की तरह खिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो अपनी लाइफ को एक फूल बनाएं, फूल की तरह साफ़ सुथरे रहें, खिलते रहें, भगवान के आगे हमेशा अरदास करें, भगवान से हमेशा खुशियां मांगें और वो अपने होते हुए आपको कभी कष्ट में नहीं देख सकते। तो आपका जीवन सफल करने के लिए भगवान हमेशा एक साया बनकर रहते हैं और उसी साये में हम रहना चाहते हैं। जो साया भगवान का सबके सर पर होता है, उस साये को हम भी पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आप माता रानी से हमेशा एक ही चीज़ मांगें, वो है कोमल दिल। और कोमल दिल तो आप समझते ही हैं कि फूलों जैसा साफ फ्रेश। और अगर हर एक इंसान अपने दिल को एक कोमल फूल की तरह साफ रखता है तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। माँ रानी हमेशा आपके अंग संग रहेगी, आपका साथ देगी, आपके सारे दुखड़े हरेगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप वही आशीर्वाद
माँ से।